ये खबर मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके स्कूलों में बच्चों की जान खतरे में है। आपके छिंदवाड़ा मॉडल का असर अभी प्रदेश में कहीं दिखता नहीं है। सरकार बदलने के बाद आप बहुत कुछ बदलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? वही ढाक के तीन पार आपको दिखाते हैं। एक स्कूल का वो सच जो आपकी आंखें खोल देगा। आप भी जान ले, आपके राज में भी बच्चों के लिए हालात सुधरे नहीं है। कैसे पढ़ते हैं बिना छत के स्कूल में बच्चे? ये खबर प्रदेश के मुखिया कमलनाथ के लिए है, क्योंकि सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तो अपने इलाके के स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में ही फेल हो गए हैं। शायद प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ सिस्टम को दुरुस्त करने में सफल हो जाएं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन यह क्या बच्चों के लिए अनोखा बिना छत का स्कूल? पिछले 2 सालों से स्कूल की मरम्मत के लिए लिखा पढ़ी चल रही है, लेकिन इस प्रदेश में गरीब गुरुओं की सुनता कौन है? आपकी सरकार आने के बाद कुछ आस बंधी थी, वो भी टूट सी गई है, और इस इलाके के स्कूलों की छतों का हाल सब जगह एक सा है। स्कूल की छत और पूरा जर्जर हो रहा है स्कूल। हमें बच्चे बिठाने में समस्या रही, बच्चों को हम कहाँ बिठाएं, क्या करें? ये 2 साल हो गए जी सर, 40 बच्चे और मेरे यहाँ 61 बच्चे दर्ज हैं। भवन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। विगत 2 साल से मैंने भवन के लिए पत्र लिखकर दिया है विभाग को, लेकिन विभाग की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब मैं जो है मजबूरन बारिश के दिनों में जो है बच्चों को बिठाने के लिए मजबूर हूँ, और बाहर खुले में बिठा रहा हूँ, भवन के अंदर नहीं बिठा सकता। जब बारिश हो जाती है तो मैं इस बच्चों की छुट्टी कर देता हूँ। ये स्कूल और जर्जर हुए, और इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्री सब बदल गए। कमलनाथ खुद सांसद से मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन नहीं बदली तो इस बिना छत वाले स्कूल की तकदीर। देवास के बागली विकास खंड के कमलापुर संकुल का यह स्कूल सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रहा है। इस स्कूल में कमलनाथ जी आदिवासी समाज के 61 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके ऊपर खतरा हर घड़ी मंडराता रहता है। इस प्राइमरी स्कूल की छत गिरे अरसा हो गया, अब आपके बस में हो तो इस स्कूल का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि जब स्कूल ही कमजोर होगा तो छोटे बच्चों को मजबूत शिक्षा कैसे मिलेगी? इसे लेकर यहाँ के शिक्षक भी टेंशन में रहते हैं। वैसे भी इनकी चिंता सरकारें इसलिए नहीं करती कि यहाँ कोई अधिकारियों, व्यापारियों या नेताओं के बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। पहले दीपक जोशी इस इलाके से विधायक और शिक्षा मंत्री रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। अब नए विधायक की बात भी सुन लीजिए, और हाँ, अधिकारियों को भी बिना छत के स्कूल की हकीकत पता है, लेकिन होता किसी से कुछ नहीं। बिल्कुल आपका सही कहना है, विगत कई वर्षों से दूसरों के हाथ में जो भी कमान थी उसका कहीं नहीं कहते हैं। लेकिन इस सत्र के पहले, अभी ये सत्र अभी चालू हो रहा है, अभी हमने पूरा शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी से कागज भी मंगवाए कि कौन कौन सी जगह भवन है, बिल्डिंग ख़राब है स्कूल की, उनकी जानकारी पूरी दी जाए ताकि आने वाले समय में उनको बच्चों को असुविधा ना हो, बिल्डिंगें नए सिरे से तैयार हो जाए, या फिर भवन दूसरी जगह कहीं भी उनकी बैठने की व्यवस्था तब तक वो तैयार नहीं होती है, उनको व्यवस्था की जाए। मैं इस पर मैंने येलो भी सबसे इंक्वायरी करवा ली है और देख रहा हूँ इस पर जल्द से जल्द निराकरण करने की संभावना कर देंगे, कर दिया जाएगा। हाँ, मैं अब बारिश का सीजन देखते हुए कई शिकायतें हर जगह से आ रही, पूरे जिले से आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक समिति बन जाए। समिति के बाद हम पूरे हर जगह का निरीक्षण कर लें और एक प्रस्ताव अपने साइड से शासन को भेज दें ताकि इनका जो जो स्कूल बदहाल है उनका सही व्यवस्था हो जाए। सरकार ये तो एक नमूना भर है, आप तबादलों के शहंशाह हैं। ऐसे में एक बेहतरीन कर्मठ अधिकारी ऐसे इलाकों में भेज दीजिए जो बिना किसी बड़े हादसे का इंतजार किए इन बच्चों को स्कूल में ढंग की छत मुहैया करवा दे। या आप ही खुद छिंदवाड़ा मॉडल की शुरुआत देवास के इस स्कूल से ही कर दीजिए। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज़।